गाइस क्या होगा अपने बेस्ट फ्रेंड की भाई इच्छा है कि वो फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठना चाहता है। सो मीट माय कालू फ्रेंड। कालू हाय मेरा कालू हाय मेरा। भाई यार मुझे प्लेन में बैठना था यार। अच्छा प्लेन में बैठना? मैं कभी बैठा नहीं ना, मुझे आसमान से नीचे देखना कि अपन कितनी ऊंचाई से चल रहे हैं। अच्छा बिठा देना। सो गाइज अभी भाई कालू की डिमांड है कि भाई उसको फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठना है, और भाई मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा था तब मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई थी, मुझे खतरनाक लग रहा था। तो भाई अभी मैंने कालू को बिना बताए टिकट्स वगैरह बुक कर रहा हूँ, और कालू का भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देखना आप लोग। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि लेट अपलोड हो रहा है। तो गाइस टिकट्स वगैरह मैंने बुक कर दी है, अभी हमारी कल है भाई, कल 11 बजे की फ्लाइट है, और अभी कालू को पता नहीं है, एकदम से बताऊंगा, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पर कालू को बिना बताए अगली सुबह मैं उसे बोल देता हूँ कि भाई रेडी हो, रेडी हो के हम निकल जाते हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं भाई एयरपोर्ट पे, और कालू को भाई सडनली पता पड़ा कि हम भाई प्लेन से जा रहे हैं गोवा। भाई कैसा लग रहा है एकदम से? भाई इसका रिएक्शन कैप्चर करना भूल गया क्योंकि मैं कैब में आया था तो भाई इसको सब पता था। भाई ये बोले कि यार इधर बोले यार ट्रेन तो दिख ही नहीं रही ना, बस दिख रही है, जा कैसे रहे हैं? अपन गाड़ी से जा रहे थे क्योंकि देखो इतनी सारी गाड़ियां जा रही है, कह रहा कि तूने कोई कार वार कराई क्या? भाई सरप्राइज दिया कि भाई इसको पता, ये बीच में ही समझ गया था गाइस, दिक्कत वो हो गई वहाँ पे टर्मिनल वो वगैरह बोल दिया, वहाँ पर रिएक्शन अच्छा आया था, बीच में समझ गया था, बाकी और भी खतरनाक में रिएक्शन रिकॉर्ड करता, लेकिन ये कालू होशियार है भाई। तो कैसा लग रहा है तेरे को, सच सच बताना? जन्नत पे आ गया गाइस। कालू भाई खुश हो गया यार, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और हम भाई बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी फ्लाइट 11 बजे की है, लेकिन बाद में पता पड़ा हमारी फ्लाइट 1 बजे की है, तो हम बहुत जल्दी आ गए। इस कालू को देख रहे हो भाई, फुल चोड़ में भाई, फुल एस्थेटिक वाइब ले रहा है। हमारे भाई बोर्डिंग पास वगैरह आ चुके हैं, तो अब थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट भी आ जाएगी। और एक बात बताऊं, विस्तारा कंपनी, विस्तारा एयरलाइन है ना, उसकी ये लास्ट फ्लाइट है जिसमें हम ट्रेवल कर रहे हैं, इसके बाद विस्तारा उसमें शिफ्ट हो जाएगी, रतन टाटा कंपनी है ना, उसकी एयर इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी भाई। तो गाइस भाई सारा का सारा सामान भाई निकालना पड़ा हमें, बेल्ट तक निकालनी पड़ रही है भाई। सारी सिक्योरिटी को पार करके हम अपने मकसद पे निकल चुके हैं। और यहाँ पर भाई कालू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि भाई उसका फर्स्ट टाइम था ना, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तब बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। सिगरेट निकली भाई, सुनो भाई इतनी देर से इतनी है और एयर होस्टेस को देख बोल रहा कि हम अपनी वाली कौन सी बताओ। पीछे जो अंकल है भाई, इनकी तरह हमारी सेम हालत हो पड़ी है अभी, ये भी वेट करते करते थक गए हैं, हम भी वेट करते बैठे बैठे थक गए हैं भाई। लोग लाइन में लग रहे हैं लेकिन मैं लाइन में नहीं लगूंगा भाई, क्योंकि क्या लास्ट में जाऊंगा इसलिए। कालू की फुल यहाँ पर भाई अब झीले भाई चल रही है, चलो भाई अपन तो बैठते हैं अपनी सीट पे। और यहाँ पर भाई हमने हमारी फ्लाइट के अंदर एंट्री, और कालू को दी भाई हमने विंडो सीट। हाँ तो कालू भाई कैसा क्या फील हो रहा है? क्या ही बताऊंगा, मजा आ रहा है। अभी उड़ेगा भाई, खतरनाक मजा आएगा। और मेरा तो थर्ड टाइम है इसका फर्स्ट टाइम है। और कालू की यहाँ पर भाई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ चल रही थी। अभी हमारा भाई प्लेन होने वाला है टेक ऑफ, और हम होने वाले हैं भाई, हम आ चुके हैं भाई आसमान की ऊंचाइयों में। हाँ भाई कैसा लग रहा है भाई, क्या ही बताओ यार, मजा आ गया भाई सही में, जब उड़ा ना इसका रिएक्शन देखने लायक था, खतरनाक। विस्तारा की तरफ से खाना आ चुका है, लास्ट खाना है क्योंकि लास्ट प्लेन है ये विस्तारा का। हाँ जी कालू भाई, अरे यार कैमरा सही नहीं आ रहा इस तरफ से सही आ रहा है। हाँ भाई ऐसा क्या खोया पड़ा है, क्या जानना चाहता है प्लेन के बारे में? आप भाई क्या पढ़ रहे हो आप? भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई प्लेन में क्या क्या होता है। अच्छा क्या नहीं होता है, लेकिन ये तो कोई अदर ही मैगजीन है भाई, ये तो देख रहा हूँ ना भाई, ये का अच्छा मेरे जाने सर भाई। हाँ ये ठोकेगा क्या? ठोकेगा ये ठोकेगा, मैं कह रहा हूँ ये ठोकेगा। वाह तो मेरे साथ साथ दोहराइए, हे भगवान हे भगवान
हमने जितने भी पाप किए हम तेरी शरण में आ रहे भाई साहब। बादल इम्पोर्टेंट है, बादल इम्पोर्टेंट है। सभी हो चुके हैं भाई गोवा में लैंड। हाँ भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नींद आ गई थी गाइस। नींद आ गई भाई बीच में, इसको दो घंटे में नींद आ गई थी। आ चुके हैं गोवा, और भाई कैसा लगा तेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? खतरनाक खतरनाक, अच्छा लगा, मजा आ गया, मजा आ गया बहुत ज्यादा। तो यहाँ से हमने भाई अपने बैग्स वैग्स उठाए, क्योंकि भाई हमें गोवा घूमना भी था और जिस मेन काम के लिए आए वो भी करना था। तो ठीक है भाई, अब मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, गोवा के व्लॉग्स में। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बाय बाय बोल दे, कर लो बाय, फॉलो नहीं सब्सक्राइब कर लो, बोल दे अब सब्सक्राइब बोल, सब्सक्राइब बोल। अरे बोल बोल एक बार बोलना।